तो हमारे पास आई है स्प्लेंडर सुपर BS4 मॉडल। इस बाइक का इंजन हमने खोल रखा है, इस बाइक का इंजन फिटिंग करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे पढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें कि हम इंजन कैसे असम्बल करने वाले हैं, इसमें क्या क्या पार्ट डलने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें, हम आपको दिखाएँगे इंजन असम्बल कैसे किया जाता है सुपर स्प्लेंडर BS4 बाइक का। तो बने रहें वीडियो में, देखें वीडियो वॉच करें, बहुत बढ़िया होने वाला है वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखें, हम आपको दिखाते हैं वीडियो में क्या क्या इसमें पार्ट डलने वाले हैं। तो हमने इसमें गियर बॉक्स असेंबल कर दिया है, गियर बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, हमने बस उसी गियर बॉक्स को असेंबल कर दिया है, फिट कर दिया है। और इस क्रैंक में हमने क्रैंक असेंबली मतलब क्रैंक रॉड को नया डलवा दिया है, क्रैंक बैरिंग को दोनों नया डलवा दिया है। तो क्रैंक और गियर बॉक्स असेंबल हो गया, बस इंजन में यही पार्ट रहते हैं। तो हमारा ये मेन इंजन का काम हो चुका है, हम ऊपर इंजन के चैम्बर को बढ़िया से फिट कर लेंगे। इसमें हथौड़ा नहीं मारेंगे हम, इसको हाथ से प्रेस करके हमने इंजन के कवर को फिट कर दिया है। अब इसके सारे जो बोल्ट हैं 8 नंबर के, वो हम बढ़िया तरीके से 1x1 करके सारे को हम बढ़िया तरीके से कस लेंगे। तो वीडियो में हम दिखाते हैं इंजन किस तरह से असेंबल किया जाता है, इंजन के बारे में जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें। हम इसमें जितने भी सारे 8 नंबर के बोल्ट दिए रहते हैं इंजन में, हम सारे बोल्ट को पहले सारी जगह पर फिट कर लेंगे, फिर उसके बाद 8 की टी से हम सारे बोल्ट को स्टेप बाय स्टेप एक करके हम सारे बोल्ट को कस लेंगे। तो हमारा इंजन का ये मेन इंजन का काम हो चुका है। मेन इंजन का काम करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये सारे बोल्ट हमने कस लिए हैं, क्लच किस तरह से फिट किया जाता है और कैसे फिट करें, उसमें क्या क्या पार्ट डलते हैं ये देख सकते हैं। हमारा क्लच साइड, इसमें हम सबसे पहले प्राइमरी गियर, अगर इसमें आपका ये गियर इंजन गियर लगाने के बाद साएं साएं आवाज़ कर रही है तो ये प्राइमरी गियर बोलते हैं इसे, इसे चेंज ज़रूर कर लें। और ये हाउसिंग, ये हाउसिंग इसमें हम नीचे एक बुश सेट करके हमने हाउसिंग को एडजस्ट सेट कर दिया है और क्लच प्लेटों को हम बैठा लेंगे बढ़िया तरीके से। हम इसमें हमारा क्लच में बस खाली क्लच प्लेट चेंज हुआ है, हमारा प्राइमरी गियर क्लच सेंटर क्लच हब सब बढ़िया है, इसमें हमने खाली क्लच प्लेटें डाली है। ये हम क्लच प्लेट डालकर इसमें स्प्रिंगें सेट करके हमने क्लच के सारे बोल्ट को कस दिया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये हमारा बैलेंसर जो इंजन को बैलेंसिंग करने में मदद करता है, इसमें हम एक वार्सल और एक ये नट, इसे बढ़िया तरीके से, इसमें भी छीनी या हथौड़ी का प्रयोग नहीं करना है। इसका कूलर आता है, उस कूलर की मदद से हमने कस दिया है। अब हम इसमें ये प्लेट है, ये प्लेट इसलिए दिया रहता है कि इंजन के अंदर क्रैंक शाफ्ट में इंजन आयल इसी के जरिए जाता है, ये जो होल देख रहे हैं इसमें से होकर क्रैंक के अंदर तक इंजन आयल पहुंचता है। तो ये प्लेटें हमने कस लिया है 10 नंबर के टी से, 1 2 3 इसमें बोल्ट दिया रहता है, तीनों बोल्ट को हमने कस दिया है बढ़िया तरीके से। अब इसमें हम क्लच के कवर को लगाने से पहले हम क्लच पैकिंग को इसमें सेट कर लेंगे, हमने क्लच पैकिंग को सेट कर दिया है। अब इसमें क्लच कवर को हम सेट कर देंगे, ये हमारा थोड़ा आराम से प्रेस करेंगे, इसमें क्लच के अंदर एक क्लच ठेसी दी रहती है वो कहीं गिर ना जाए, क्योंकि हमारा इंजन पट है, इसमें हम आराम से क्लच कवर को फिट कर लेंगे। तो हमारा ये क्लच कवर फिट हो चुका है, देख सकते हैं हमारा क्लच कवर एकदम फिट हो चुका है। हम इसमें सारे जो बोल्ट हैं 8 नंबर के, 8 नंबर की टी से हम इसे बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, कस लेंगे एकदम बढ़िया प्रॉपर। तो हमारा ये क्लच का काम हो चुका है और मेन इंजन का काम हो चुका है। अब इसमें बचा है हमारा रिंग पिस्टन हेड फिट करने को।
तो ये हमारा सारा काम पूरा हो चुका है, मेन इंजन का। अब हमारा हेड और सिलेंडर का काम है, उसमें हम क्या क्या चेंज करने वाले हैं आपको बताते हैं। तो चलो दिखाते हैं हम इसमें हेड और सिलेंडर में क्या क्या चेंज करने हैं। इसमें ये देख सकते हैं, हमने इसमें 25 नंबर का पिस्टन बोर करवा रखा है। हमारा अभी ये फर्स्ट मरतबा इसका इंजन ओपन हुआ है, तो इसमें हम बोर करवा रखे हैं 25 नंबर का पिस्टन, हीरो का ओरिजिनल। तो ये हम पिस्टन और सिलेंडर को सेट कर लेंगे। हमारा ये सिलेंडर पिस्टन के अंदर बढ़िया तरीके से इसे सेट कर दिया, एकदम आराम से हो गया है अंदर। तो हम इसमें हेड के पैकिंग को लगाकर हम हेड को सेट कर लेंगे। हेड में हमने इसमें वाल किट, मतलब वाल और वाल सील इसमें नई डाली है, तो हम हेड को भी सेट कर लेंगे। इसमें हमने वाले नई डाल रखी है, तो इसमें हेड में ये ऊपर 1 2 3 4 12 नंबर के नट है, इसको हम बढ़िया तरीके से कस लेंगे। चार नट देख सकते हैं, 12 नंबर की गोटी से हम चार नट है आमने सामने, एकदम प्रॉपर बढ़िया तरीके से हमने कस दिया। हमारा इंजन पूरा फिट हो चुका है, हमने इसमें टाइमिंग चेन भी नई डाल दी है, तो हमारा इंजन एकदम फिट हो चुका है। हम इंजन को बाइक पर असेंबल कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। या देख सकते हैं, हम इंजन के बोल्ट को हम कस लेंगे, 1 2 3 जितने भी बोल्ट हैं सारे बोल्ट को हमने बढ़िया तरीके से कस दिया है। कसने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारी बाइक पूरी देख सकते हैं एकदम रेडी है। अब इसमें हम साइलेंसर यहाँ से सेट कर लेंगे, लगा लेंगे, किक लगा लेंगे। हमारी बाइक एकदम पूरी रेडी है इंजन भरकर, वो भी कम प्राइस में, मात्र 3500 रुपये में हमारा इंजन का काम हो चुका है। तो हमारी बाइक एकदम पूरी रेडी है, ये देख सकते हैं हमारी बाइक एकदम बढ़िया तरीके से इसका पूरा इंजन का काम हो चुका है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।